स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी न्यू एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हमें इंटीग्रेशन करने के लिए यूज करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है कोई दूसरा फंक्शन वहाँ पर। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और यहाँ पर लगाएंगे हम dx। तो देखो ये डिफरेंशिएट करते तो हम कर सकते थे क्वोशेंट रूल लगा करके, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रूल हमें मालूम नहीं है तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा इसकी जगह पर। तो हम लेट कर लेते, अगर हम 2x को कुछ माने तो हमें 1 प्लस x स्क्वायर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम 1 प्लस x स्क्वायर को लेट कर लें t इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dt इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x dx, लेकिन हमें यहाँ 2x dx यहाँ पर दिया है तो इस 2x dx की जगह हम dt पुट कर सकते हैं और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह t, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2x dx की जगह dt और 1 प्लस x स्क्वायर की जगह t, यानी कि 1 अपॉन t। अब आपके पास आ गया फंक्शन 1 अपॉन t dt, तो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, ये कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। अब टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, log टी हमने लिया था 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस सी, तो ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका दिया है log x का स्क्वायर अपॉन x, इंटीग्रेशन करना है log x का स्क्वायर अपॉन x और dx। तो हमें देखना ये होता है कि लेट क्या करें जो दूसरा फंक्शन उसी से dt से रिप्लेस हो जाए। तो अगर हम x लेट करेंगे तो log x बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन log x अगर लेंगे तो डिफरेंशिएशन करने पर हमें 1 अपॉन x मिल जाएगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट log t इक्वल टू log x, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dt इक्वल टू 1 अपॉन x dx, तो ये dx अपॉन x की जगह dt आ जाएगा और log x की जगह t, तो ये आपका होगा t² dt। ये dx अपॉन x की जगह dt से रिप्लेस कर दिया मैंने इसे, तो ये हो जाएगा आपका t³, ये होता है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू t² और यहाँ c भी लगाएंगे कांस्टेंट ज़रूर। तो ये हो जाएगा आपका t की जगह पुट कर दो log x पर पावर 3 और ये 1 अपॉन 3 और कांस्टेंट सी, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन x प्लस x log x, इंटीग्रेशन करना हमें 1 अपॉन x प्लस x log x। तो अगर हम यहाँ पर x प्लस x log x को t लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस, नहीं बनेगा ऐसे, हम x कॉमन ले लें पहले इसमें से तब कुछ आसान हो जाएगा। तो 1 अपॉन, हमने x कॉमन लिया यहाँ से तो 1 प्लस log x और dx। अब यहाँ अगर आप लेट करोगे t इक्वल टू 1 प्लस log x,
तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा वन का जीरो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स की जगह आप यूज करोगे डी टी और वन प्लस लॉग एक्स की जगह यूज करोगे टी, इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी। इंटीग्रेट करोगे इसे तो वन अपॉन टी का बताया लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर दो तो लॉग टी हमने लिया था वन प्लस लॉग एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ पार्ट देखते हैं एक्सरसाइज का, दिया है साइन एक्स साइन कोस एक्स, साइन एक्स साइन कोस एक्स डी एक्स। तो यहाँ लेट कर सकते हैं हम कोस एक्स को टी, लेट टी इक्वल टू कोस एक्स तो डी टी इक्वल टू मिलेगा आपको कोस एक्स का होगा साइन एक्स माइनस में और डी एक्स आपको चाहिए साइन एक्स डी एक्स तो माइनस इधर आ जाएगा माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी यूज करोगे और साइन कॉस एक्स की जगह टी तो ये साइन टी डी टी हो जाएगा माइनस बाहर ले लिया साइन टी डी टी और साइन टी का होगा कॉस टी माइनस में माइनस पहले ही से है तो ये प्लस हो गया यानी कि कॉस टी प्लस सी। कॉस टी की जगह कॉस की वैल्यू पुट करोगे टी था हमारा कॉस एक्स तो कॉस कॉस एक्स प्लस सी ये आ गया आपका आंसर। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ आपकी एक्सरसाइज का। देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका, दिया है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन करना है हमें साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ आप लेट कर सकते हो साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी कुछ भी, तो हमने लेट कर लिया टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का करोगे तो आ जाएगा ए और यहाँ लगा दो आप डी एक्स। तो हमें चाहिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स तो ए को हम लेफ्ट साइड में ले आए यानी कि डी टी अपॉन ए इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी डी एक्स कॉस को आप रिप्लेस कर दोगे डी टी अपॉन ए की जगह और साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पुट करोगे टी तो ये हो जाएगा आपका टी डी टी अपॉन ए, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और टी डी टी का होगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, वन प्लस वन होगा अपॉन वन प्लस वन तो ये वन अपॉन ए और टी स्क्वायर टी की जगह पुट करोगे साइन ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू यानी कि टू ए वन अपॉन टू ए साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। सिक्स्थ देखते हैं क्वेश्चन, सिक्स्थ दिया है रूट ए एक्स प्लस बी रूट ए एक्स प्लस बी
तो यहाँ जब आप पुट करोगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी ले लेते हैं, लेट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए डी एक्स, ए डी एक्स या डी टी अपॉन ए इक्वल टू डी एक्स। डी एक्स की जगह आप डी टी अपॉन ए लिखोगे और ए एक्स प्लस बी की जगह टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स रूट टी इंटू डी टी अपॉन ए, तो ये आएगा आपका वन अपॉन ए और रूट टी का होगा टी टू पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। देखो यहाँ आपने चलो ठीक किया है, वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन ए, टी की जगह पुट कर दो ए एक्स प्लस बी और वन अपॉन टू में वन ऐड करोगे तो थ्री अपॉन टू और यहाँ हो जाएंगे थ्री अपॉन टू और टू को ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा टू अपॉन थ्री ए ए एक्स प्लस बी टू पावर थ्री अपॉन टू और प्लस कॉन्स्टेंट सी लगाना मत भूलना, ये ज़रूर लगाना है प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया टू अपॉन थ्री ए ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। देखते हैं सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट हमें दिया है एक्स रूट एक्स प्लस टू, इंटीग्रेशन करना है एक्स रूट एक्स प्लस टू। तो यहाँ आप एक्स प्लस टू को टी पुट कर सकते हो, ये है डी एक्स, लेट टी इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। तो एक्स रूट एक्स प्लस टू चलो कर सकते हो, और भी तरह से कर सकते थे, तो यहाँ हम x की जगह लिखे लेते हैं t x इक्वल टू t माइनस टू, ये x रह जाएगा, इसकी जगह हमें t माइनस टू करना पड़ेगा, तो इक्वल टू x की जगह हम पुट करते हैं t माइनस टू और x प्लस टू की जगह t, तो ये हो गया ये हो जाएगा आपका रूट टी यानी कि टी टू पावर वन अपॉन टू और ये डी टी इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर लें इसमें, तो टी टू पावर वन प्लस वन अपॉन टू माइनस टू टी टू पावर वन अपॉन टी वन अपॉन टू और ये डी टी। अब इनको सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा t टू पावर थ्री अपॉन टू डी टी माइनस टू बार आएगा t टू पावर वन अपॉन टू डी टी, इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा t टू पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस वन माइनस टू, ये हो जाएगा t टू पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन और कॉन्स्टेंट आएगा c इक्वल टू थ्री अपॉन टू प्लस वन करोगे तो ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू, तो t टू पावर फाइव अपॉन टू अपॉन फाइव अपॉन टू माइनस टू इंटू टी टू पावर वन अपॉन टू में वन ऐड करोगे तो थ्री अपॉन टू और अपॉन थ्री अपॉन टू प्लस सी, और इसको आगे टी की वैल्यू पुट कर दो और टू ऊपर पहुँचेंगे तो टू और टी की जगह हमने लिया था एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू टू पावर फाइव अपॉन टू और अपॉन आ गया ये टू अपॉन फाइव
माइनस ये टू यहाँ जाएंगे तो फोर अपॉन थ्री और टी की जगह आएगा एक्स प्लस टू होल रेज टू पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ में हमें दिया है एक्स रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर इसका हमें इंटीग्रेशन करना है डी एक्स। तो यहाँ हम ले लें वन प्लस टू एक्स स्क्वायर को टी, लेट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा टू टू जब फोर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, लेकिन हमें चाहिए एक्स डी एक्स, तो फोर को भेजते हैं इधर, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन फोर। तो एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टी, तो रूट टू रूट टी और ये डी टी अपॉन फोर। वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, टी टू पावर यहाँ करेंगे वन अपॉन टू डी टी, अब इंटीग्रेट करेंगे इसे तो ये हो जाएगा टी टू पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा वन अपॉन फोर, टी की जगह आप पुट करोगे वन प्लस टू एक्स स्क्वायर और ये वन प्लस वन अपॉन टू होंगे थ्री अपॉन टू और ये हो जाएंगे थ्री अपॉन टू। तो टू से ये टू कैंसिल तो वन अपॉन सिक्स और यहाँ पर सी भी पुट करना है तो वन अपॉन सिक्स वन प्लस टू एक्स स्क्वायर टू पावर थ्री अपॉन टू प्लस सी। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर एट का। देखते हैं नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन दिया है फोर एक्स प्लस टू, फोर एक्स प्लस टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये इंटीग्रेशन और यहाँ पर डी एक्स। इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, टू बार ले लें तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये डी एक्स। लेट कर लें हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू टी। तो टू एक्स प्लस वन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो टू एक्स प्लस वन डी एक्स की जगह डी टी करोगे, टू कॉन्स्टेंट ऐसे बाहर ले सकते हो तो ये आ गया आपका टू बाहर और यहाँ हो गया रूट टी, यानी कि टी टू पावर वन अपॉन टू और डी टी। तो टू तो एज इट इज रहेगा, टी टू पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा टू इंटू टी टू पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री अपॉन टू, टू जाएगा टू के साथ में फोर अपॉन थ्री हो जाएंगे और टी की जगह आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू पावर थ्री अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन का। टेंथ पार्ट देखते हैं। वन अपॉन एक्स रूट वन अपॉन इंटीग्रेशन है एक्स माइनस रूट एक्स और ये है डी एक्स। इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं, वन अपॉन रूट एक्स कॉमन ले लो यहाँ से अगर, तो ये आएगा रूट एक्स माइनस वन और ये रहा डी एक्स। अब आप लेट कर सकते हो, लेट रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी,
तो रूट एक्स का आपको मालूम है डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स, वन का होगा 0 इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह आप लिखोगे डी टी, टू को भी राइट साइड में भेज दो तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2dt, यानी कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स की जगह 2dt और रूट एक्स माइनस वन की जगह टी, तो रूट एक्स माइनस वन की जगह टी यानी कि 1/t और 2dt, तो 2 बाहर आएगा 1/t dt, और इसका आप जानते हो log मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी होगा, तो 2 log मॉडुलस ऑफ टी हमने लिया है रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हो गया आपका पार्ट 10th।